संस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में गौ माता के साथ हो रहा अत्याचार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाय को माता मानते हैं। वहीं पर कानपुर देहात से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर गाय पालने के नाम पर गायों के साथ अत्याचार हो रहा है। वहां किस तरह से गाय अपना दम तोड़ रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के ग्राम बीघा का है, जहां पर गांव के रहने वाले मोहम्मद साबिर ने बताया कि वहां शिव गोपाल शुक्ला और कई ग्रामवासियों ने यह बताया कि गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने संस्था के नाम पर एक गौशाला का फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया है। उन्होंने रातों रात कुछ जमीन पर बेरी कटिंग करते हुए 40 से 50 गायों को पालने हेतु दिखाना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि यह गाय पालने के नाम पर लोगों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और सरकार से गाय के नाम पर अनुदान लेना चाहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इन गायों को मैं यहां से कहीं और छोड़ दूंगा, तब तक आप लोग शांत रहे। हालांकि ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत उप जिला अधिकारी कानपुर देहात से वहां के क्षेत्राधिकारी पुलिस से भी की है, लेकिन सुनवाई के नाम पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मोहम्मद साबिर है, ग्राम बीघा के रहने वाले हैं। जिले से राम नरेश मिश्रा, बाप का नाम है उनके कृष्णा। उन्होंने 8 बीघे जमीन घेर ली गौशाले के नाम से, क्योंकि 17 बीसवा जमीन खरीदी थी। उसमें खाता धारक 6 लोगों की जमीनें घेर ली है, और घेरने के बाद उसमें गाय धान दी है। गाय को एक दाना खाने के लिए कोई नहीं है, बिल्कुल गाय मर गई है। कल 2 गाय मर गई हैं। इसी चक्कर में देखा जाए ADM साहब को, DM साहब को और CO साहब को, मैंने सबको अवगत कराया है। एक तरफ से सचिवालय भेजा है मैंने लेटर, हर जगह लेटर भेजा, कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब गाय मर गई है, तब आज ADM साहब गए थे, कल गाय मरी थी और उनको दफन कर दिया गया है। जहां पर दफन की गई है, डॉक्टरी नहीं हुई है, किस कारण मरी है, कम से कम वो कारण देख करके वहाँ देखा जाए। और सभी जितने खाता धारक हैं वहाँ खेत वाले, उनका सबका ये कहना कि भाई हमारा खेत क्यों घेर रहे हो। कह रहे हैं कि ये तो संस्था है, हमको सरकार दे रही है। ADM साहब ने मुझे कहा है कि आप घेर लीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं इस वजह से। और हम लोगों से कहते हैं ADM साहब कि आप लोग जाइए, छोड़ दीजिए, जान है तो जान है। रिवाल्वर लेकर दौड़ाते हैं, JCB चलाकर तार वेटिंग करके रात में दिन में, और न छत है, ना पानी है, ना खाना, वहाँ कुछ नहीं। हम लोग उस पर सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। 76 पर भी मैंने सचिवालय 76 पर भी 10/76 पर मैंने अवगत कराई है सूचना कि साहब मौके पर जाके जांच कर ली जाए, मौके पर देख लिया जाए और जांच कर ली जाए। और सभी लोगों का जो है ये मौके पर जब हम लोग पहुंचते हैं वहां, तो देखते क्या है कि वहां 3-4 लोग और सहमत है किसी तरह जमीन गिर जाए, 80 लाख रुपया हमको मिल जाए, इसके बाद हम गाय सब छोड़ देंगे और अपना जो है जो भी हमारी संस्था है वो अपना करेंगे, आप लोग परेशान हो, आपकी जमीन छोड़ देंगे, इस तरह से उनका कहना है। और रिवाल्वर ले करके खेते धारक को दौड़ा देते हैं उसमें बार बार, ये उनकी कहानी है। अभी जो है फिलहाल इस समय मौके पर गाय जो है अभी ADM साहब गए, तहसीलदार साहब गए, नायब तहसीलदार साहब गए, एक लेखपाल गए, और जाने के बाद मौके पर जांच की, अब आगे क्या कार्रवाई हुई है ये मुझे नहीं पता। सभी लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं एडवोकेट है, हम सबको जेल में डाल देंगे, ये मैटर इनका चल रहा है। और कहते हैं किसी तरह हमारा पैसा पास हो जाए, तब तक आप लोग शांत रहिए।